तो आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज के बात करने बोलो यहाँ पे टी आर्मी भर्ती के बारे में। काफी सारे लड़के यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर हमें कोई न्यूज दीजिए, हमें बताइए कि टी आर्मी की जो भर्ती है वो यहाँ पे कब होगी। तो देखिए, मैंने इतने टाइम से इसलिए यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि टी आर्मी भर्ती को लेकर भाई कोई भी जानकारी नहीं है। जो लड़के यहाँ पे टीए में जो नौकरी कर रहे हैं, मेरे जो कुछ फ्रेंड हैं उनसे भी यहाँ पे मैंने बातचीत की, तो वो खुद यहाँ पे परेशान है। वो यहाँ पे जे बोल रहे हैं कि यार भाई बहुत दिक्कत हो चुकी है टीए आर्मी के अंदर भी, कि हमें तीन तीन बंदों की, चार चार बंदों की अकेले जो ड्यूटी है वो यहाँ पे करनी पड़ रही है। क्योंकि टीए के अंदर रिटायरमेंट तो हो रही है लेकिन 2019 के बाद जो टीए आर्मी की भर्ती है वो यहाँ पे नहीं करवाएगी। तो खुद यहाँ पे टीए वाले भी परेशान है कि यार नई भर्तियां कब होंगी, क्योंकि टीए आर्मी वाले जो लड़के हैं, मैं आपको बता दूं मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि यार हमें तीन तीन चार चार बंदों की ड्यूटी जो है वो अकेले अकेले को यहाँ पे करनी पड़ रही है। तो मैं आप सबको बता दूं यहाँ पे टीए आर्मी की भर्ती को लेकर टीए वालों के पास भी भाई कोई दूर दूर तक जानकारी नहीं है। और मैं आपको एक ही चीज क्लियर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे टी आर्मी की भर्ती थोड़ा सा मुश्किल लग रही है, लेकिन फिलहाल ये भी जानकारी नहीं कोई दी गई है कि टी आर्मी की भर्ती बंद होगी है या होगी, ऐसी कोई भी जो जानकारी वो यहाँ पे नहीं निकल के आ रही है। 2019 के बाद यहाँ पे टी आर्मी की भर्ती बिल्कुल बंद है। एक्स सर्विस मैन के लिए भर्ती ओपन है लेकिन हम जैसों के लिए जो भर्ती है वो बिल्कुल बंद है। जो देश के युवा बेरोजगार है उनके लिए टी आर्मी लास्ट एक ऑप्शन होता है। तो सबके लिए मैं आपको बता दूं वो जो ऑप्शन है वो 2019 यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो उम्मीद यही है कि टी आर्मी की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन देखने को कब मिलेगी इसका अभी कोई कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म डेट नहीं है। क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे टीए वालों से बात की है, उन्होंने खुद बताया कि हमारे पास भी अभी कोई टी आर्मी भर्ती को लेकर जानकारी नहीं है। फिलहाल मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इंतजार करें, जैसे कोई आगे भर्ती आएगी या कोई नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा। मैंने इसलिए इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि भाई भर्ती नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो फिर वीडियो डाल के भाई आपका टाइम वेस्ट करने का और मेरा टाइम वेस्ट करने का भाई क्या मतलब है। तो आप सबके भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर यार एक जानकारी दे दीजिए, एक वीडियो डाल दीजिए, तो इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, आगे अगर कोई जानकारी आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।